नमस्कार दोस्तों मैं हरीश यादव स्वागत करता हूं मेरे YouTube चैनल पर मेरे सभी प्यारे दर्शकों का आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं बकरी पालन ट्रेनिंग के बारे में जो कि 24 और 25 फरवरी 2024 दुर्ग छत्तीसगढ़ में होने जा रही है और इस ट्रेनिंग का आयोजन पशुधन प्रबंधन एवं कौशल विकास दुर्ग छत्तीसगढ़ के द्वारा किया जा रहा है और जो हमारे आयोजक हैं आनंद भावे जी हैं और जो हमारे मास्टर ट्रेनिंग के ट्रेनर के रूप में आप मुझे आप, न, आपने मेरे चैनल पर बहुत सारे उनके वीडियोस भी देखे होंगे और मुझे जहाँ तक पता है इन चार पाँच सालों के अनुभव में बता रहा हूँ कि जिस तरीके से सर का अनुभव बीस पच्चीस साल का है और जिस तरीके से उनका समझाने का तरीका है वो बिल्कुल इंडिया में टॉप मोस्ट जो ट्रेनर होते हैं उनका है हमारे जे पी धुलिया सर तो ये जो ट्रेनिंग होने जा रही है ये 24 से 25 फरवरी को होने जा रही है और इन चार पाँच सालों का जो मेरा अनुभव है मैं उससे आपको बता रहा हूँ कि किसी भी जो भी हमारे किसान भाई बकरी पालन में आते हैं जो कोई भी इंसान बकरी पालन में आता है और इसे व्यवसायिक दृष्टि से आगे लेकर जाना चाहता है तो उसकी सफलता और असफलता केवल उसकी कुशलता के ऊपर डिपेंड करती है मैं हर दिन नए फार्म पर विज़िट करते रहता हूँ उनसे मुझे बहुत कुछ सीखने के लिए मिलता है किस तरीके से उन्हें उन्होंने अपने फार्म की शुरुआत करी क्या क्या चीज़ें उन्हें समस्याएं देखने मिली और उन्हें क्या क्या चीज़ें आ, किन किन चीज़ों की मतलब जानकारी का अभाव था या कहाँ कहाँ पर उन्होंने कमियाँ रखी हैं या कौन कौन सी कमियाँ उनसे चूक हुई कहाँ कहाँ पर चूक हुई मुझे पता चलता रहता है तो मुझे पता है कि भाई अगर इसमें जितना आदमी कुशल होगा तो वो बिल्कुल सफल होने के चांसेस तो उसके बढ़ जाते हैं बकरी पालन एक सफल व्यवसाय तो है ही परंतु हमें किस तरीके से इसे कर रहे हैं ये बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है बहुत सारे लोग इसे पारंपरिक तरीके से करते रहते हैं परंतु अगर आप इसे व्यवसाय दृष्टि से करना चाहते हैं इसे बड़े पैमाने पर करना चाहते हैं है ना तो आपका जानकार होना बहुत ज़्यादा जरूरी है इसलिए ट्रेनिंग बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट पहलू बन जाता है आपके बकरी पालन या सफल बकरी पालन का तो हम इस ट्रेनिंग में क्या क्या चीज़ें सिखाने वाले हैं किन किन चीज़ों के बारे में जानकारी देने वाले हैं इसके ऊपर मैं एक छोटी सी जानकारी आपको दे देता हूं अधिक जानकारी के लिए सर का मैंने डिस्क्रिप्शन में नंबर दे ही दिया है आप वहां से संपर्क कर सकते हैं जैसे भाई आप किस जगह से बिलोंग करते हैं तो आपके लिए किस नस्ल का चयन करना ज़्यादा अच्छा रहेगा सेड का निर्माण किस तरीके से करना है भाई बहुत सारे लोग कहते हैं कि यार शेड तो टेम्परेरी बना लो और फिर बकरियों के ऊपर खर्च करो और काम शुरू करो परंतु कहीं ना कहीं ये फैक्टर भी भाई हमें पीछे लाता है तो इस बात को ध्यान रखना है कि भाई हमें शेड का निर्माण किस तरीके से करना चाहिए पर बकरी के हिसाब से कितनी जगह की जरूरत होती है तो हमें कैसे शेड का निर्माण करना है किस जगह का चुनाव करना है बकरियां हम लेने जा रहे हैं तो किस बकरी का चयन करना है एक अच्छी जो बकरी होती है एक अच्छी मादा होती है उसमें क्या क्या चीज़ें हमें देखनी चाहिए क्या क्या ख़ूबियाँ हमें उसकी देखनी चाहिए हम एक बकरा लेने जा रहे हैं तो उस बकरे में हमें क्या क्या खूबियाँ देखनी चाहिए फिर हम बात करते हैं कि कहीं से बकरियाँ अगर हम लेकर आ रहे हैं कुछ दूर से हम अगर बकरियाँ लेकर आ रहे हैं तो भाई उनको अपने यहाँ पर किस तरीके से ढालना है ट्रैवलिंग के दौरान कौन कौन सी समस्याएं देखने मिलती हैं क्योंकि बहुत सारी समस्याएं जब हम शुरुआत में ही हमें झेलने मिल जाती हैं जो नए किसान होते हैं जब कहीं से बाहर से बकरियां लेकर आते हैं तो उन्हें शुरुआत में ही समस्याएँ देखने मिल जाती हैं तो उसके ऊपर हमें ध्यान देना है फिर तो जब बकरियां लेकर आ जाते हैं तो हमें किस तरीके से उनका फ़ीड मैनेजमेंट करना है ताकि हम साल भर उनको हम प्रॉपर एक जो बैलेंस डाइट होती है ना उसको हम दे सकें एक संतुलित आहार कैसे बनाना है एक संतुलित आहार या जो हम दाना जो अनाज मिश्रण तैयार करना है वो किस तरीके से तैयार करना है क्या क्या चीज़ें उसमें मिलती हैं क्या क्या रेशियो रहता है और किस तरीके से हम उसे तैयार कर सकते हैं और साल भर कैसे उनको खिला सकते हैं ताकि जो हमारी बकरियों में बराबर ग्रोथ हमें मिलती रहे और समय से वो बकरियाँ हीट पर आएँ और समय से बच्चा दें तो हम भाई किस तरीके से बकरियों की हीट को पहचानना है और किस तरीके से उनकी देख करनी है फिर जब बकरियाँ हमारे यहाँ पर आ जाती हैं तो अलग अलग मौसम बदलते हैं तो मौसम के हिसाब से हमें किस तरीके से तैयारी करनी है बरसात के समय किस तरीके से हमें तैयारी करनी है ठंड के समय पर उनका किस तरीके से देख करना है गर्मियों में किस तरीके से देख करने की आवश्यकता होती है फार्म का मैनेजमेंट किस तरीके से रखना चाहिए फिर जब बकरियाँ प्रेग्नेंट होती हैं तो भाई हमें किस तरीके से उनकी देखरेख करनी है एक एक विशेष पहलू इस पर बन जाता है फिर जब बकरियाँ बच्चे दे रही होती हैं तो उन बच्चों की और उस मदर गोड की किस तरीके से केयर करनी है फिर हमें फ्लॉक मैनेजमेंट किस तरीके से करना है ये सारे पहलू हैं फिर धीरे धीरे जब हम मौसम बदलते हैं तो परेशानियाँ भी हमें देखने मिलती हैं खास करके अगर हम बारिश के सीज़न पर ध्यान दें या ठंड के सीज़न पर ध्यान दें तो अलग अलग समय पर अलग अलग सीज़न के हिसाब से बीमारियां भी आती हैं तो कौन कौन सी बीमारियां जो हैं वो संक्रामक रूप से फैलती हैं तो हमें उनका किस तरीके से इलाज करना है किस तरीके से उनका बचाव करना है और बचाव के लिए हमें अपनी बकरियों को टीका टीकाकरण कराना बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है तो कौन कौन से टीके हमें लगाने होते हैं कौन कौन से टीके हमें लगाने चाहिए कब कब लगते हैं क्या डोजेज होती हैं किस तरीके से उनको लगाना चाहिए इन सारी चीज़ों के बारे में आपको बताया जाता है फिर जब आपके यहाँ पर फ्लॉक मेंटेन हो जाता है या आप फ्लॉग मेंटेन करते हैं तो भाई हमें सेलिंग के ऊपर बहुत सारा बहुत सारे सवाल हमसे हमारे जो दर्शक हैं हमारे जो ट्रेनिंग होते हैं वो हमसे पूछते रहते हैं कि सर हमें किस तरीके से अपने यहाँ पर मार्केट की रिसर्च करनी है है ना किस तरीके से हमको अपने यहाँ पर बकरियों को सेल करना है ताकि हमें है ना मुनाफा अच्छा मिले तो इसके ऊपर विशेष तौर पर चर्चा करी जाती है फिर जिस भी राज्य से आप आते हैं या जो भी केंद्र सरकार के द्वारा योजनाएं चलाई जाती हैं इसके ऊपर भी हमारे जो इसके ऊपर भी हम विशेष तौर पर चर्चा करेंगे ही साथ में एक विशेष मीटिंग हम करा रहे हैं जो एन के जो अधिकारी हैं छत्तीसगढ़ को जो देख रहे हैं पूरे छत्तीसगढ़ को जो देख रहे हैं उनसे एक विशेष तौर पर हमारी जो मीटिंग है वो आप आ, होगी जिसमें आप सभी को है ना उनसे प्रश्न करने का उनसे क्वेश्चन करने का मौका मिलेगा किस तरीके से भाई हम अपनी रिपोर्ट तैयार कर सकते हैं क्या क्या प्रारूप जो हैं वो सरकार ने तैयार किए हैं किन किन तरीके से है ना किन किन डॉक्यूमेंट्स की ज़रूरत पड़ती है हमें किस तरीके से आवेदन करना चाहिए इन सारी चीज़ों के बारे में आपको जानकारी दी जाएगी तो मेरा यही प्रयास है कि आप अगर बकरी पालन में आ रहे हैं तो बिल्कुल कुशल बनिए क्योंकि आप जितना कुशल रहेंगे जितनी आप स्किलफुल रहेंगे वो बिल्कुल है कि आपको परेशानियां कम देखने मिलेंगी अधिक जानकारी के लिए सर का नंबर मैंने डिस्क्रिप्शन में दे, दे।